आज हम करेंगे। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स देखो ग्रुप ऑफ फोर स्ट्रॉबेरीज आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है उसने बोला है ग्रुप ऑफ फोर स्ट्रॉबेरीज एक ग्रुप में वन टू थ्री फोर फोर स्ट्रॉबेरी हैं। और बोला है उसने आगे देयर आर थ्री ग्रुप्स थ्री ग्रुप्स हैं जिसमें एक ग्रुप में फोर स्ट्रॉबेरी हैं तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे थ्री ग्रुप और एक ग्रुप में कितनी स्ट्रॉबेरी हैं फोर थ्री फोर जा टवेल्व थ्री फोर जा टल्व तो एक ग्रुप में जितनी स्ट्रॉबेरी है आपको उस उनको लिखना है कितने ग्रुप हैं थ्री ग्रुप और एक ग्रुप में कितनी स्ट्रॉबेरी हैं फोर फोर प्लस फोर प्लस फोर अगर आप इन तीनों को भी प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा ट्वेल्व अगर आप इसको थ्री मल्टीप्लाई फोर करोगे थ्री ग्रुप है और एक ग्रुप में फोर स्ट्रॉबेरी है तो थ्री फोर जा ट्वेल्व दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम मतलब आप मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो और प्लस से भी दोनों का आंसर क्या आएगा सेम नेक्स्ट देखो ग्रुप ऑफ फाइव चेरीज़ ग्रुप ऑफ फाइव चेरीज़ मतलब एक ग्रुप में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव चेरी हैं तो कितने ग्रुप हैं फोर फोर ग्रुप हैं और एक ग्रुप में फाइव चैरी है ट्वेंटी आप ऐसे भी कर सकते हो और किस तरह से कर सकते हो एक ग्रुप में कितनी चेरी है फाइव तो और कितने ग्रुप है फोर तो फाइव को कितनी बार लिखो फोर बार फोर ग्रुप हैं और एक ग्रुप में फाइव चेरी हैं फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी इज आंसर मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो प्लस से भी ग्रुप ऑफ मैंगोज कितने मैंगो के ग्रुप हैं वन टू थ्री फोर एक ग्रुप में कितने मैंगो हैं फोर यहाँ पे फोर ही ग्रुप हैं और एक ग्रुप में फोर मैंगोज है देयर आर फोर ग्रुप ऑफ फोर मैंगो तो फोर मल्टीप्लाई फोर 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 जा सिक्सटीन फोर फोर जा सिक्सटीन और एक ग्रुप में फोर मैंगो है और फोर ही ग्रुप है तो फोर को कितनी बार लिख दो फोर बार फोर टाइम लिखो फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर तो कितना आंसर आएगा इनको प्लस करो फोर फोर एट फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन हमने इनको ऐड कर, कर भी आंसर निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई कर कर भी यही हमें इन सम्स में सिखाया गया देखो यहाँ पर ग्रुप्स हैं ग्रेप्स के एक ग्रुप है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ग्रेप्स हैं टू ग्रुप हैं तो सिक्स टू जा कितना हो जाएगा सिक्स टू जा ट्वेल्व वन ग्रुप में सिक्स हैं तो टू ग्रुप में कितने होंगे ट्वेल्व तो सिक्स को दो बार प्लस वन ग्रुप में सिक्स हैं दूसरे ग्रुप में सिक्स हैं दोनों को प्लस करोगे तब भी ट्वेल्व आएगा देखो वन ग्रुप में फोर हैं दूसरे ग्रुप में फोर हैं थर्ड ग्रुप में फोर हैं ये वाले ग्रुप में फोर हैं तो अगर इनको प्लस करोगे तो भी सिक्सटीन आएगा अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे फोर ग्रुप और हर ग्रुप में फोर मैंगो तो भी आंसर क्या आएगा सिक्सटीन देखो ग्रुप ऑफ थ्री पीयर्स एक ग्रुप में कितने पीयर्स हैं थ्री और हमारे और कितने ग्रुप है पीयर के थ्री थ्री ग्रुप्स हैं और थ्री पीयर्स के देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री पीयर्स तो थ्री जा क्या होता है थ्री मल्टीप्लाई थ्री 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 जो क्या होता है नाइन और देखो वन ग्रुप में थ्री सेकेंड ग्रुप में थ्री थर्ड ग्रुप में थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन देखो आंसर क्या आया सेम अब देखो ग्रुप ऑफ फाइव एक्स मतलब एक आपको उसमें फाइव एक्स दिए हुए एक बॉक्स में तो देयर आर थ्री ग्रुप हमारे पास थ्री ग्रुप हैं फाइव एक्स के कितने ग्रुप हैं थ्री ग्रुप थ्री फाइव जा फिफ्टीन और आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव 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 टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन दोनों तरह से आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा ठीक है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट पेज इज़ टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम इसे मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे देखो वेन वी रीड एट मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई थ्री अगर हम एट को थ्री से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है ट्वेंटी फोर एट थ्री सा ट्वेंटी फोर जहाँ पर थ्री मल्टीप्लाइड बाय एट इज ट्वेंटी फोर एट थ्रीज आ ट्वेंटी फोर एज थ्री मल्टीप्लाई बाई एट इज ट्वेंटी फोर एट जा भी ट्वेंटी फोर होता है और थ्री एट जा भी क्या होता है ट्वेंटी फोर अब आ, आगे पढ़ो हेयर एट जो ये एट है ये क्या है मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई इज़ द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज़ मल्टीप्लाइड और देखो यहाँ पे आपको मेन ये सीखना है यहाँ पे एट क्या है मल्टीप्लायर और ये क्या है मल्टीप्लीकेंट और जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या है प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट तो हम इसमें करेंगे राइट वट टर्म इज द कलर डिजिट कलर डिजिट को बताना है वो कौन सी टर्म है देखो फाइव थ्री जा फिफ्टीन हमारा ये क्या आया देखो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा सम जो हमारा ये एंड में आता है दोनों की मल्टीप्लाई कर, कर जो आता है उनको कहते हैं प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई कर, कर जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट सेवन फोरजा ट्वेंटी एट तो ये वाला क्या है सेवन की फोर से मल्टीप्लाई हो रही है फोर क्या है मल्टीप्लीकेंट मल्टीप्लीकेंट टू फोरजा एट फोर की किससे मल्टीप्लाई हो रही है टू टू क्या है मल्टीप्लायर क्या है मल्टीप्लायर थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री क्या है मल्टीप्लिकेंट देखो फर्स्ट वाला क्या होता है मल्टीप्लायर सेकेंड वाला मल्टीप्लिकेंट थर्ड वाला प्रोडक्ट जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आता है वो होता है प्रोडक्ट Pro, क्या होता है प्रोडक्ट देखो सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन सेवन क्या है मल्टीप्लायर फाइव एट ज़ा फोर्टी ये आया आपका मल्टीप्लाई करके आंसर वो है प्रोडक्ट सेवन फाइव जा थर्टी फाइव थर्टी फाइव आपके लिए क्या है प्रोडक्ट क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई कर, कर क्या आया आंसर एट सिक्स फोर्टी एट सिक्स क्या है क्या है ये वाली ये वाले नंबर को क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेंट तो आपको ध्यान से याद रखना है ये होता है मल्टीप्लायर ये होता है मल्टीप्लिकेंट और ये होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट और ये है प्रोडक्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना थैंक यू हैव नाइस डे